थोड़ी सी किस्मत ख़राब हो गई। वी आर हेयर फॉर पैराग्लाइडिंग, बट हमने कॉल किया उसे और वो आया नहीं। हम स्पॉट पे हैं हरीश तिवारी। अब अगर वो नहीं आया तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही कोई चादर वादर लेके कूद जाऊँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? द लॉज ऑफ फिजिक्स सेज इट इज़ पॉसिबल जेंटलमैन। और ये रहा वो, एंड वी आर फिजिसिस्ट्स सो वी कैन डू एवरीथिंग। फिजिक्स के साथ आया हूँ, दो दो हैं। तू भी तो था, ये तूने भी तो किया है फिजिक्स में। किया तो है पर दूसरा वो रहा। दोनों 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 के दोनों US जा रहे हैं फिर दोबारा। लोग आ गए, कोई तो आ रहा है, देखें क्या होता है आगे। लेकिन ये लोग छोरे लड़के हैं, कोई ये करने वाले नहीं है। ये रहा पैराग्लाइडिंग का स्पॉट, यहाँ से ये रास्ता। ओ नीचे अब देख रहे हैं, उधर दिखा दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा। तो मैं आपको भी ले चलता हूँ पैराग्लाइडिंग के सफ़र पे। कैमरा पीछे करता हूँ मैं, कैमरा पीछे नहीं होगा, कैमरा पीछे नहीं होगा, इसलिए मुझे ही इस एंगल से दिखाना होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली रन अप है। यहाँ से आपको सारे इक्विपमेंट्स वगैरह पहनने के बाद यहाँ से आपको एक छोटा सा रन अप लेना होगा और फिर इस क्लिफ से आपको उड़ान भरनी होगी। और यहाँ से फिर जो है वो एक्चुअली में ये डिपेंड करता है हवा के ऊपर। अगर हवा तेज़ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उतने हाइट तक जा सकते हैं और फिर वहाँ से आप कुछ डायरेक्शन तक जाएंगे और फिर वहाँ कुछ दूर पे जाके वहाँ पे आप वापस से लैंड करेंगे। कुल ये सफ़र ऑलमोस्ट कुल मिला के लगभग 10 से 15 मिनट का होता है और इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए आज हम सारे यहाँ पे जुटे थे। बट अनफॉर्चुनेटली शायद आज का मौसम सही नहीं है और इसलिए लोग भी नहीं आ पाएंगे। तो फिर हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है और शायद हम हो सकता है कि अभी हम कहीं और घूमने जाएं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा ओवर एंड आउट, फिर वापस मिलता हूँ।